हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपको DOE की तरफ से सपोर्ट मटेरियल मिलता है ना, तो मैथ्स का ये सपोर्ट मटेरियल मैंने लगा रखा है। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन का ये 2024 टू 25 का। इसमें ना हमने अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रखा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 तक कम्प्लीट करा दिया था, चैनल पर अपलोड है, वहाँ से कर लेना। जो प्रीवियस ईयर का सपोर्ट मटेरियल है 2023 टू 24 का, और जो इस ईयर का है 24 टू 25 का, दोनों बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज उनमें नहीं है। तो कुछ चैप्टर्स मैंने 2023 टू 24 के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें उस बुक से कवर कर लेना। अब हम इस बुक से करेंगे बाकी के चैप्टर्स जो हमारी न्यू बुक आई है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास यहाँ पर। फाइंड द रेशो इन विच पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी एंड हैंस फाइंड एम। एक लाइन है आपके पास ए बी, उसको पी जो है ना एक रेशो में डिवाइड कर दिए। रेशो मुझे नहीं पता, वो मुझे निकालनी है, और साथ के साथ जो P के कोऑर्डिनेट में ये M है ना, ये भी मुझे फाइंड करना है, ठीक है। करेंगे कैसे वो यहाँ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। मैंने यहाँ पर एक वो लाइन ड्रॉ कर ली, तो AB मेरे पास ये वो लाइन हो गई, और ये P मेरे पास वो पॉइंट हो गया। P के कोऑर्डिनेट्स थे 4 और M, ठीक है। AB है 2 और 3 और 6 और माइनस 3, तो 2 और 3, 6 और माइनस 3। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लेट कर लिया, लेट द रेशो बी के रेशो 1। रेशो को मैंने ये मान लिया के रेशो 1 है, जिसमें ये पी इस लाइन को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब आपको पता है कि ये आपके पास एक्स वन वाई वन होता है, ये आपके पास एक्स और वाई होते हैं, ये आपके पास एक्स टू वाई टू होते हैं, ठीक है। और जो ये के रेशो 1 है, ये आपके पास एम वन एम टू होता है, क्लियर है ना। सेक्शन फॉर्मूला लगा दूँ तो x कैसे निकलता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और y कैसे निकलता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब वैल्यूज को अगर मैं पुट करूं तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा k इंटू में 6, और यहाँ पर m2 है 1 और x1 है 2, नीचे आ जाएगा k प्लस का 1। इसको इस साइड ले जाती हूँ दूसरी साइड, तो 4k प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6k प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 को इस साइड ले आई और 4k को दूसरी साइड पे ले गई, तो 2 इस इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा 2k, तो मैं यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 1 आ रही है। अब यहाँ पर देखो, y की जगह मुझे m दे रखा है, m1 कितना है मेरे पास k, m2 कितना है y2 कितना है माइनस 3, m2 है 1, y1 है 3, और यहाँ पर आ जाएगा k प्लस का 1, ठीक है। इस m को अभी यही रहने दिया, यहाँ आ गया माइनस का 3k प्लस का 3 अपॉन में k प्लस का 1। k की वैल्यू मैं ऑलरेडी 1 निकाल चुकी हूँ, तो मैंने अपनी इक्वेशन 1 लिख लिया, और यहाँ पर मैंने वो k की वैल्यू को क्या किया, पुट कर दिया, और यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। m कितना आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 अपॉन में 2, m आ जाएगा मेरे पास 0। आपको दो चीज़ें निकालनी थी, एक रेशो, तो रेशो आपके पास कितनी आ गई, k 1 है, तो रेशो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 1:1, क्योंकि के रेशो 1 आपने माना था, वो आ गई 1:1, ठीक है। और एम की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0। ये दो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, और दोनों चीज़ें हमारी क्या हो गई, यहाँ पर आ गई, क्लियर। तो ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, कह रहा है इन्हें शो करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है, तो उसके लिए तो पहले मुझे तीनों साइड का डिस्टेंस निकाल के पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अगर सेटिस्फाइड हो रही होगी तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं तो नहीं है। तो मैं इन पॉइंट्स को पहले यहाँ लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, तो मैंने एक ट्राइंगल बना ही लिया अभी फिलहाल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अभी मैंने शो नहीं किया, सिर्फ इसकी वर्टिसेस लिखने के लिए बनाया। तो माइनस टू
8367 माइनस 2383 और 67 है। चलो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं तीनों साइड्स का। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है आपके पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले मैं अपना ab यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ab कितना आ जाएगा मेरे पास 10 का स्क्वायर, वो तो ज़ीरो बन गया ये, तो इसे छोड़ दो। तो ए बी मेरे पास कितना आ जाएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अपना बी सी निकालते हैं। यहाँ पर अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ। ए टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस टू का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा बी सी रूट 20। ठीक है, चलिए अब अपना ए सी निकाल लो यहाँ पर। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64, 4 4 जा 16 हो गया। तो 4 प्लस 6 10, 6 7 8 80 आ जाएगा ये आपके पास अंडर रूट में। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर होना चाहिए। ए सी है मेरे पास रूट 80 इसका स्क्वायर। ए बी मैंने अभी अपना क्वेश्चन में निकाला 10 यूनिट्स, तो 10 का स्क्वायर। बी सी मैंने निकाला रूट 20, तो रूट 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो रूट से वो तो कट जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। देखो अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि मैं ये सिर्फ ट्राइंगल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं इसकी वर्टिसेस से इसका डिस्टेंस फाइंड कर लूँगी तीनों साइड का। अब अगर आप यहाँ पर देखो, इसको फिलहाल के लिए अब इरेज कर दो। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे बड़ी यूनिट किसकी आ रही है, ए बी की आ रही है 10 यूनिट्स, बाकी इनकी छोटी है। तो इसका मतलब मैं ये कहूँगी कि ए बी जो है वो मेरा क्या है यहाँ पर हाइपोटन्यूज हो सकता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड तो वही होती है ना, तो उसको सेटिस्फाइड करते हैं। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर यहाँ आ गया, रूट 20 का स्क्वायर यहाँ आ गया और रूट 80 का स्क्वायर यहाँ आ गया। तो 100 इज इक्वल्स टू में 20 प्लस 80 आ रहा है ना, 100 इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब ए बी सी जो है राइट एंगल ट्राइंगल तो है, लेकिन किस पे है वो भी लिखना पड़ेगा। हेंस ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी। कैसे, आप फिगर देखो, यहाँ मैंने बोला ए बी साइड बड़ी होगी क्योंकि वो 10 यूनिट्स थी, ये 10 यूनिट थी ना, इसलिए ये बड़ी है। तो फिर यहाँ सी है तो यही तो राइट एंगल होगा। ठीक है, तो आपको मेंशन करके आना वो राइट एंगल है किस पे। स्टार्टिंग में जो ट्रायंगल बनाया था सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए, हम उसके कोऑर्डिनेट्स देख सकें, मैंने इसलिए बनाया था। राइट एंगल ट्रायंगल ज़रूर बन रही है पर वो सी पे बनना है, बी पे नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन 20। तो आज की क्लास में हमने इसके दो क्वेश्चन कर लिए, 19 एंड 20। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 11 भी चैनल पर अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी अपलोड है। तो जल्दी जल्दी चैप्टर्स को कवर करते रहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।